करेरा यूं तो भ्रष्टाचार के लिए बदनाम है, लेकिन अब नगर में लाखों रुपए से लगे 3 दर्जन से अधिक सुरक्षा की दृष्टि से लगाए गए नगर के मुख्य चौराहों पर सीसीटीवी कैमरे इन दिनों शोपीस बनकर रह गए हैं। इस ओर ना तो नगर पंचायत का ध्यान है और ना ही कोई अधिकारी इसकी सुध लेता है। साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे खराब होने के चलते दिन दहाड़े चोरियों की घटनाएं बढ़ रही हैं। इसके चलते पुलिस भी चोरों को पकड़ने में नाकाम नजर आ रही है। इसकी तरफ ना तो पुलिस विभाग ने ध्यान दिया, ना ही नगर परिषद, जिसने ये सीसीटीवी कैमरे लाखों रुपए खर्च करके लगवाए थे। करेरा नगर में चोरियां लूटपाट जैसे मामले लगातार सामने आ रहे हैं। चोर दिन दहाड़े ही बेखौफ चोरियां कर रहे हैं। पिछले 2 महीने में नगर के मुख्य चौराहे के पास से आसपास की दुकानों के ताले तोड़ना और मोटरसाइकिल चोरियां लूटपाट जैसी घटनाएं बढ़ रही हैं और नगर में लाखों रुपए की कीमत के लगे सीसीटीवी कैमरे शोपीस बने हुए हैं। इससे चोर बदमाश कोई भी वारदात करके आसानी से भाग जाता है। सीसीटीवी कैमरे खराब होने से पुलिस को मदद नहीं मिल पाती। वहीं नगर के लोगों का कहना है कि इसकी शिकायत भी कई बार नगर परिषद सीएमओ एसडीएम को कर चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। इसके साथ ही टैक्सी यूनियन अध्यक्ष शैलू खान का कहना है कि हम लोगों की टैक्सियों की स्टेफनी और डीजल आए दिन चोरी हो रहे हैं। हमने पुलिस में कंप्लेन की है, लेकिन पुलिस चोरों को नहीं पकड़ रही है। नगर परिषद करेरा के सीएमओ कमल किशोर शिवहरे ने कहा है कि नगर परिषद सीएमओ का कहना है कि हमने इलेक्ट्रीशियन बुलवा लिया है, जल्द ही कैमरों को दुरुस्त किया जाएगा। सीसीटीवी कैमरे की ठीक कराने की कार्रवाई चल रही है, तो जल्दी ठीक हो जाएंगे। करीब 6 माह से खराब है और जो है चोरियाँ लूटपाट नगर में चल रही है। हाँ, तो क्या इसकी जो फाइल थी वो मेरे को अभी उपलब्ध नहीं हुई है कार्यालय से, तो उसमें मेरे को ये देखना था कि कितने गारंटी के हैं, क्या है इसके बारे में मेरे को ज़्यादा डिटेल मालूम नहीं है। पर अब नए सिरे से उसको ठीक कराने की हमने कार्रवाई शुरू कर दी है। जल्दी बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। नगर परिषद के द्वारा नगर की पुलिस सहायता केंद्र कच्ची गली तिराहा मऊआ नदी पुल के पास न्यू बस स्टैंड पुराना बस स्टैंड फूटा तालाब वाले बाबा के मजार के पास टीला रोड तहसील न्यायालय के पास पुरानी तहसील न्यायालय मिलाकर कुल 10 स्थानों पर 31 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। इन कैमरों की देखरेख करने के लिए थाना करेरा को कंट्रोल रूम बनाया गया था। इस ओर पुलिस ने ध्यान नहीं दिया, इसके चलते जगह जगह लगे कैमरों की वायरिंग टूट गई है। करेरा नगर में 25 लाख रुपए की कीमत से ये सीसीटीवी कैमरे भोपाल की डेडिकेटेड सॉल्यूशन कॉर्पोरेशन कंपनी के द्वारा लगाए गए थे। देखरेख के अभाव में ये कंडम होते जा रहे हैं। करेरा थाना प्रभारी अमित भदौरिया ने कहा कि मैंने चौराहे के सीसीटीवी कैमरे मेन चौराहे के खराब हैं, अगर ये सही हो जाए तो हमें चोरों को पकड़ने में आसानी होगी। नगर में लगे सभी सीसीटीवी कैमरे खराब हैं। हमने एसडीएम नगर पंचायत सीएमओ को अवगत करा दिया है। नगर में कैमरे खराब होने से वारदातें कर अपराधी भाग जाते हैं, जिसे हम ट्रेस नहीं कर पाते। अगर सीसीटीवी कैमरे सही हो तो अपराधी पकड़ में आ जाएगा। नगर परिषद के अध्यक्ष कोमल साहू ने कहा कि प्रशासन की जिम्मेदारी है, लापरवाही करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए। सर, ये कैमरे कब से बंद रहे हैं बताएं सर? ये 2.5-3 महीने से कैमरे बंद हैं। करेरा कस्बे की निगरानी के लिए प्रशासनिक रूप से लगाए गए हैं। उनके चालू होने पर हमें बड़ी मदद मिलती है अपराधियों तक जल्दी पहुँचने में, और श्रीमान एसडीएम महोदय से भी इस बाबत मैंने मौखिक रूप से चर्चा की है, पत्र भी ले लिया है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि शीघ्र ही इनको दुरुस्त कराया जाए। आपने नगर पंचायत सीएमओ से नहीं बोला था इसके लिए? दोनों तरफ मैंने पत्र लिख के भेज दिया है। अच्छा अच्छा और अनुरोध किया है कि शीघ्र इनको ठीक कराएं, जिससे जनता की सुरक्षा में हमको मदद मिल सके। ठीक है। नगर पंचायत ने जो सीसीटीवी कैमरे लगवा दिए, कितनी लागत से लगे थे और कब लगे थे थोड़ा बताएं। ये क्या है कि कैमरे 32-33 लाख की लागत से लगे हुए हैं, और उस टाइम तो अभी क्या है, ठेकेदार का कुछ पेमेंट और रह गया था 3-4 लाख रुपए। अभी तक कोई कैमरे का खराब हो गया तो ठेकेदार अभी सुधारने नहीं आया। तो 6 महीने से कैमरे खराब पड़े हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, उनको क्या है कि उनको प्रशासन को देखना चाहिए कि कम कैमरे क्यों खराब डले हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, ठेकेदार के खिलाफ। 1 साल तो अभी इससे क्या चोरियाँ भी हो रही होंगी? हाँ, हो रही चोरी, हो रही। टेस्ट नहीं हो पा रही, कोई टेस्ट नहीं हो पा रही। अभी ये गाड़ी कल चली गई किले से। अच्छा अच्छा, फिलहाल करेरा में सीसीटीवी कैमरे खराब होने के चलते चोरी की घटनाएं और खुले में लूटमारी लगातार हो रही है। पिछले 2 माह में करेरा में घटनाएं बढ़ रही हैं। अगर शहर के मुख्य मार्गों पर लगे सीसीटीवी कैमरे
ठीक हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लग सकती है, क्योंकि सीसीटीवी कैमरे खराब होने के कारण चोर सक्रिय बने हुए हैं।